बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक फरमान सुनाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ़ पहुँचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है। मुसलमान को जो भी बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत आती है, ये अल्लाह की तरफ से आती है और इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो हमें सब्र करना चाहिए, जब भी कोई मुसीबत तकलीफ़ आए हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और इसके साथ साथ सब्र करना चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आप दोस्तों ने इस पर और हम सब ने इस पर ज़रूर अमल करना है। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।